दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि मैगी में सुअर की चर्बी मिलाई जाती है तो क्या आप यकीन करेंगे? 2 मिनट में बनकर तैयार होने का दावा करने वाली मैगी आज हर घर में पाई जाती है। बच्चों के टिफिन में सबसे ज्यादा पसंद की जाती है ये टेस्टी टेस्टी मैगी। मगर क्या आपको पता है कि मैगी बनाने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, किन चीजों को मिलाकर बनती है ये मैगी? जिस मैगी को हम सब बड़े ही चाव से खाते हैं और जिस मैगी का स्वाद पहाड़ों और पिकनिक पर जाकर और भी ज्यादा बढ़ जाता है, उस मैगी को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? क्या आप जानते हैं कि जिस मैगी मसाला को आप मैगी बनाने वक्त थोड़ा सा बचा लेते हैं किसी और सब्जी में डालने के लिए, वह मसाला किन चीजों से बनता है? क्या आप जानते हैं आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है? क्या मैगी को बनाने में सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है? अगर आप भी इन दावों की हकीकत जानना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि जिस मैगी को आप चाव से खाना पसंद करते हैं उसके बनने का तरीका देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, मैगी भारत में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला नूडल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की एकमात्र ऐसा देश है जहाँ ग्रीन मार्क के साथ आपको मैगी मिलती है, जिसका मतलब हुआ कि सिर्फ भारत में ही वेज मैगी बनती है, बाकी अन्य देशों में मैगी वेज रूप में नहीं मिलती। मैगी के इतिहास पर अगर एक नजर डालें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मैगी को मजबूरी में बनाया गया था। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और ये बात मैगी पर बहुत फिट बैठती है। दरअसल सन 1872 में स्विट्जरलैंड में फैक्ट्रियों में काम करने वाले कारीगरों को इतना टाइम नहीं मिल पाता था कि वो खाना बना सके, और कई बार वर्कर्स ब्रेड खाने को मजबूर थे, जिससे उनकी सेहत खराब होने लगी थी। इस समस्या को दूर करने के लिए स्विट्जरलैंड के एक बिजनेसमैन जूलियस माइकल जोहानसन मैगी ने इंस्टेंट नूडल्स तैयार किए और अपने सरनेम पर उसका नाम रखा मैगी। बस जी, फिर क्या था, उस दिन से मैगी को झटपट खाने के रूप में बनाया जाने लगा और मार्केट में मैगी ने धूम मचा दी। तब से लेकर आज तक मैगी को तैयार करने और बनाने के तरीके में बहुत फर्क आया है। चलिए अब आपको बताते हैं मैगी फैक्ट्रियों में कैसे बनकर तैयार की जाती है। दोस्तों, मैगी नूडल्स बनाने के लिए किसानों से ये गेहूँ खरीद कर फैक्ट्रियों तक पहुँचाया जाता है। यहाँ इस गेहूँ की क्वालिटी चेक की जाती है। गेहूँ की गुणवत्ता सही होने पर उसे आटे में बदलने के लिए बड़ी बड़ी चक्कियों में डाल दिया जाता है। आपको बता दें कि अगर गेहूं अच्छे और साफ होते हैं तो ही उन्हें आटा पीसने के लिए भेजा जाता है। खराब गेहूं को पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आटे को पीसने के बाद उसकी क्वालिटी चेक जरूर की जाती है। आटे के पिस जाने के बाद आटे को बड़े बड़े ड्रम्स में डालकर मशीनों की मदद से जरूरत के हिसाब से पानी डालकर गूंथ लिया जाता है। इस आटे में मैदा को भी मिलाया जाता है, क्योंकि आटा बहुत सारा होता है, इसलिए हाथों से न गूंथकर इसे मशीनों से ही गूंथा जाता है। आपको बता दें कि फैक्ट्री में सभी मशीनें फुल्ली ऑटोमेटिक होती हैं, जिनमें किसी भी कारीगर का हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। मैगी की शेप देने से पहले आटे को एक मशीन में डालकर लंबी लंबी सपाट पट्टियों में काटा जाता है, और फिर एक मशीन से दूसरे मशीन में जाती हुई ये पट्टियां अपने आप ही नूडल्स की शेप देने वाली मशीन में चली जाती हैं, और इस तरह से नूडल की शेप देकर मशीन से ही इन्हें चौकोर आकार में अलग अलग काट कर बाहर निकाला जाता है। इन नूडल्स को अब ड्राई होने की जरूरत पड़ती है, इसलिए इन्हें ड्रायर की मदद से सुखाया जाता है। नूडल्स को सुखाने के बाद इन्हें पैकिंग सेक्शन में पैकिंग के लिए भेजा जाता है, जहां मैगी के पैकेट्स तैयार किए जाते हैं। एक बार मैगी अच्छे से पैक हो जाए तो इसकी एक बार की जांच होती है। आपको बता दें कि साल 2015 में मैगी की क्वालिटी पर काफी सवाल उठाए गए थे। लोगों ने मैगी के पैकेट्स को सड़कों पर फेंकना शुरू कर दिया था। जब बवाल ज्यादा बढ़ने लगा तो सरकार ने भी इस विषय में रुचि दिखाई और देश में मैगी को बैन कर दिया गया। इस तरह से मैगी बनने के हर चरण में मैगी की जांच की जाती है, ताकि क्वालिटी में किसी तरह की कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। जो मैगी इस क्वालिटी टेस्ट को पास कर लेती है, वो आगे बाजार में भेजने के लिए डब्बों में पैक की जाती है, और जो क्वालिटी टेस्ट में फेल कर जाती हैं, उन्हें वापस से फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। मसाले के बिना कैसी मैगी है ना भाई? तो चलिए मैगी मसाला बनाने की विधि को भी जान लेते हैं। मैगी मसाला बनाने के लिए कई ऐसी खुफिया इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें मैगी कभी रिवील नहीं करता। जब भी हम बाजार से मैगी खरीदने जाते हैं तो मैगी के पैकेट के अंदर एक छोटा सा पैकेट मिलता है, जिसमें मैगी मसाला होता है। हालांकि लोग अपनी मैगी में घर के भी बने मसाले डालते हैं, मगर मैगी मसाले का जवाब ही नहीं है। मैगी मसाला बनाने में हल्दी, धनिया पाउडर, लाल सूखी मिर्च और भी कई इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इंडिया में मैगी को नेस्ले ने इंट्रोड्यूस किया था। साल 1984 में नेस्ले की मैगी भारत में आई थी। तब से लेकर अब तक मैगी हर घर की पसंद है। खास तौर पर हॉस्टल में रहने वाले बॉयज एंड गर्ल्स को ये मैगी खाना बहुत पसंद है।
इस मैगी का सबसे लाजवाब फैक्टर है इसके मसाले का लाजवाब स्वाद। मगर मैगी मसाला बनाने में आखिर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं, चलिए बताते हैं। आपको बता दें कि मैगी का ये टेस्टी टेस्टी सा स्वाद जिस मसाले की वजह से आता है और जिस मसाले को मैगी से बचाने के बाद हम अक्सर अपने खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए रखते हैं, उस मसाले को बनाने में 13 अलग अलग किस्मों के मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये बात अलग है कि कंपनी इस बात की भी कभी सफाई नहीं देती है, बल्कि 13 मसालों की जगह 4 मसालों के बारे में ही बताया जाता है। हालांकि बाकी मसालों को बताने में कंपनी हमेशा हिचकती रहती है, तो चलिए इन चारों मसालों के बारे में ही सही आपको बताते हैं। इन चार मसालों में कहां कहां से इन्हें मंगाया जाता है, जिन चार मसालों की बात हम यहां कर रहे हैं उसमें सबसे पहले नंबर पर आती है लाल मिर्च। आंध्र प्रदेश से मैगी मसाला बनाने के लिए लाल मिर्च लाई जाती है। इस मिर्च को कूट कर और पीस कर मैगी मसाले में मिलाया जाता है। मैगी बनाने में जो सुगंध किचन में आपको खींच लाती है, वो सुगंध आती है राजस्थान के खास धनिया से। धनिया के साथ साथ इस मसाले में मिलाई जाती है जीरा। जी हाँ, और ये जीरा भी राजस्थान से ही मंगाया जाता है। मैगी में चटक पीला रंग चढ़ाने के लिए महाराष्ट्र के नेपानगर जिले के आंबड़ा सरोला गांव से हल्दी मंगाई जाती है। इन सभी मसालों का इस्तेमाल करके ही मैगी का स्वाद बढ़ाने वाला मसाला तैयार किया जाता है। मसालों को बनाने से पहले इन इंग्रेडिएंट्स को टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। सब कुछ सही रहता है तो इन सभी को मिक्स करके मैगी का स्वाद बढ़ाने वाला ये मसाला बनाया जाता है। बात करें मसाले को बनाने की विधि की, तो इन सभी मसालों को एक बड़ी मिक्सर मशीन में डालकर अच्छे से मिक्स किया जाता है। लगभग 2 घंटे तक इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद इन्हें हीट देकर रोस्ट किया जाता है। लगभग 2 घंटे तक मसालों को रोस्ट करने के बाद इन्हें अलग अलग तरह की 650 टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है और टेस्टिंग को पास करने के बाद ही इन्हें पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। आपका मैगी मसाला इस तरह से तैयार हो जाता है। दोस्तों, मैगी को बनाने में कई तरह के मानदंडों को ध्यान में रखा जाता है और जैसा कि हमने पहले ही बताया, भारत इकलौता ऐसा देश है जहां मैगी को वेज रूप में दिया जाता है और इसमें इस्तेमाल की जाने वाली सारी सामग्री वेज ही होती है। इसलिए मैगी में सुअर की चर्बी वाली बात सरासर अफवाह है। आपको मैगी खाना कितना पसंद है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कमाल है और ऐसी ही कमाल की वीडियोस को अगर आप देखना पसंद करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की पहली अपडेट आपके पास जरूर पहुंचे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।